क्लियर नहीं आ रहा है, तो सच में क्लियर नहीं आ रहा है जी। लगता है चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। अब आ रहा क्लियर? चलिए जी, और सुनाइए क्या हाल है? नहीं सुनाओगे? सुनाओगे? बाकी लोग सब तो निकल लिए हिमालय, सबको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्यों? उनको पता चल गया कि ये सब पास फेल डिग्री सर्टिफिकेट टॉप करना ये सब वो माया है, ये सब वो माया से दूर होना रहना चाहिए, यही जीवन का सत्य है। क्यों? ये सब वो माया है। ठीक है जी, बढ़िया है ना? हाँ, और यही जीवन का सत्य है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं क्या करूं? अपडेट ऑन, इसको हटा दो। तो और सुनाइए क्या चल रहा है? देखिए जो ऑनलाइन ये है ना, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हमरे से दुश्मनी निकाल रहा है लगता है। इसको मालूम नहीं है कहीं गलती से मैं दुश्मनी पे आ गया ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, तो एक कहानी सुनाऊं आप लोगों को? सुनाओ। कल मैं गया था गन्ना जूस पीने, आप लोग कहोगे कि इसमें नया क्या है। ठीक है, तो कल जब मैं गया गन्ना जूस पीने, तो जो पिला रहा था उसने तुरंत ही वो क्या वो बड़ा सा वो थर्माकोल का था उसका डब्बा टाइप में, जिसमें सारे लोगों को गिलास फेंकना था। ठीक है, लेकिन निकाल के रखा, मैंने उसी में गिलास फेंक दिया। तो कह रहा है कि मेरे फेंकने से पहले ही बोला, फेंकने वाला था वैसे ही बोल रहा है, इसको बाहर रख देता हूँ निकाल के, अन्यथा जो है लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, तो मैं बोला कि बाहर का अंदर, पहले अंदर कहाँ था कि अभी आप बाहर रख रहे हैं, पहले भी तो बाहर ही था, बस आधा अंदर था। ठीक है, तो बोला कि अरे क्या करिएगा जो है लोग ऐसे ही फेंक देते हैं बाहर। तो मैं बोला कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करिएगा। तो बोल रहा है कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है इधर, सब पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है, तो मैं बोला कि नहीं भाई, उन्होंने डिग्री खरीद रखा है, पढ़े लिखे तो सच में कम है। तो वहाँ पे लगभग 10-12 साल का एक लड़का था, वो कह रहा है ये सब किताबी ज्ञान रट रट के इन्होंने आया है, इनको बाहरी ज्ञान कुछ है ही नहीं। मैं बोला वाह भाई, अगर एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन कर रहा था उसको मालूम होता इतना बातें, तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन करता। तो वही मैं सोचता हूँ कि क्या सोचता हूँ, यही सोचता हूँ कि उस 10-12 साल के बच्चे को इतना ज्ञान है, तो सोचो एजुकेशन मिनिस्टर को कितना ज्ञान होगा। होगा ना? नहीं होगा? होगा, लेकिन फिर भी हमारा वही हाल है जी। मैं डेटाबेस का नाम बदल के स्टूडेंट कर दिया, मुझे इंस्टीट्यूट रखना चाहिए था या स्कूल वगैरह। खैर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट मुझे टेबल दिख रहा है। ठीक है जी, अब इसमें मैं आऊँगा करूँगा डिजाइन मोड, तो यहाँ पे बोल रहा है टेबल को पहले सेव तो कर लो। तो हम यहाँ पे आए तो खाली कर दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट्स का मैं डिटेल स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि क्या क्या कॉलम होगा, तो मैं बोल दिया एक तो आईडी रख लो जी, इसको मैं क्या कर देता हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर से क्या मतलब है? ऑटो नंबर से मतलब ये है जी कि एक तो स्टूडेंट आपने इसमें एंट्री करा, तो ये आईडी में एक अपने आप हो जाएगा। दूसरा आपने करा, ठीक है, दूसरा आपने करा तो अपने आप दो हो जाएगा आईडी का वैल्यू। तीसरा आपने करा तो तीन इसका अपने आप हो जाएगा जो है ऑटो इंक्रीमेंट करके। तो यही है ऑटो नंबर का मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद नेम स्टोर कर लेंगे जी,
ठीक है, आता हूँ मैं फिर इधर डेटा टाइप में, ठीक है, लागत है हैंग हो गया हमारा सिस्टम। ओके भाई, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, यहाँ पे उसका समरी दिया हुआ है जनरल, कुछ फॉर्मेट में कुछ नहीं दिया, कुछ भी होंगे जी, ठीक है, 255 आ जाएगा इसमें। वैलिडेशंस वगैरह का यहाँ पे रूल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारा हम काम कर सकते हैं, पर मैं कुछ बहुत सारा कर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल नॉर्मल एक टेबल बनाना आपको बता रहा हूँ एक्सेस से, ठीक है। वैसे एक्सेस में तो इतना पावर है कि आप एक स्कूल को पूरा मैनेजमेंट करने का पूरा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है पूरा बना सकते हैं, एक्सेल एक्सेस में बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, बस मैं टेबल बनाना सिंपल सा बता रहा हूँ। फिर इस टेबल में जो डेटा इंसर्ट होगा या अपडेट होगा या डिलीट होगा वो कैसे होगा, वो विजुअल बेसिक द्वारा आपके द्वारा बनाया गया प्रोग्राम से, ठीक, आप जो विजुअल बेसिक से प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, उससे जो है इसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लास भी ले लेता हूँ, क्लास को मैं टेक्स्ट करने दे रहने देता हूँ, ठीक है, और फिर क्या ले लूँ जी, पता एड्रेस ले लेता हूँ, एड्रेस भी मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ, और फिर इसमें राइट क्लिक करके सेव कर दिया, ये सेव हो ही गया है। अब इस पे जाता हूँ मैं डेटा सेट व्यू पे, इस पे मैं जैसे ही क्लिक किया ऐसा आ गया, मैं टाइप मारा नेम पे आ गया, ACA में NT लिख दिया जी, क्लास में लिख देता हूँ जी BCA, एड्रेस में लिख देता हूँ जी INDIA, ठीक है, एंटर जैसे ही मारूँगा यहाँ पे पहुँचेगा, फिर से एंटर बटन दबाया, फिर दूसरा नेम मांग रहा है, दूसरा नेम मैं क्या दे दूँ जी, मोहन दे देता हूँ, कोई मोहन होगा यूट्यूब पे शायद देख रहा होगा, अगर तो खुश हो जाएगा देख के, ठीक है, इसको MCA करा देता हूँ ये और खुश हो जाएगा, इसको IND दे देता हूँ शायद और खुश हो जाए, तीसरा नाम आप लोग कुछ बताइए जी, नहीं बताएंगे, श्याम दे देता हूँ, ठीक है, श्याम नाम का अगर कोई आदमी होगा शायद अगर देख रहा होगा तो YouTube पे, तो उसको पढ़ा देते हैं कितना PhD, ये तो खुशी से पगला जाएगा, ठीक है, पागल हो जाएगा खुशी से, INDIA, ठीक है, दे दिए इसको इतना। कोई और स्टूडेंट का नाम बताइए जी आप, नहीं बताएंगे, बताएंगे, चलिए अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम इससे ज़्यादा खुशियाँ नहीं बांट सकते, ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे जी, ठीक है, हमारा जो टेबल था वो बन के रेडी हो गया जी, इसको मैं क्लोज कर दिया, हो गया क्लोज, ठीक है, और फिर से चालू किया हूँ कि नहीं किया हूँ उस दिन जी से भूल गया, चल रहा है ACCESS, जैसे ही मैं यहाँ करा एंटर खुल गया हमारा एक्सेस, ठीक है। अब ये स्टूडेंट डेटाबेस है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा जी, ये सेव कहाँ पे हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट में सेव होता है, इस पर मैंने राइट क्लिक करके कर दिया जी ओपन, ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते उतना काम इससे हो जाएगा, बड़ा पावरफुल चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जितना से कि आप विजुअल बेसिक के प्रोग्राम के थ्रू जो है इसमें डेटा डाल पाएंगे। इसमें बोल रहा है क्राइटेरिया कंटेंट डेटाबेस हैज बीन डिसेबल्ड, ठीक है, एम करके एंटर मार दिया मैं, सच में इसको इतना पढ़ा दिया कि सच में खुशी से पागल मत हो जाए, ठीक है, इसको ऑप्शन में क्या कर देते हैं, इनेबल डिसकंटेंट कर दीजिए, ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड ये 3 रिकॉर्ड है जी, तीसरा पे क्लिक किया ऐसे क्लिक किया तो ये आते जा रहा है, चौथा डिसेबल हो गया, ठीक है, ये देखिए जा रहा है फर्स्ट लास्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे नीचे मैं माउस ले जा रहा हूँ आप लोग देख रहे हो, तो ये फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट जो कर रहा है ना, ये उसी से कर रहा है जैसे मैंने आपको पिक्चर बॉक्स में बताया था ना, वैसे ये कर ले रहा है। यहाँ पे आऊँगा लिखूँगा SEM, तो देखिए सर्च कर दिया तुरंत डेटा, मोहन जैसे ही लिखा तो सर्च होने लगा जी, तो यही है एक्सेस में, ठीक है, बाकी कुछ रखा नहीं है जी, BCA पे लिखा तो यहाँ पे हाईलाइट होने लगा, ठीक है, तो यही है जी,
शायद जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें 4 GB तक का डेटा शायद रखा जा सकता है, ठीक है। तो हम सतयुग में पढ़े थे, तो जहाँ तक मुझे याद है कि 4 GB तक का इसमें डेटा जो है रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, काफ़ी पहले मैं पढ़ा था, तो जहाँ तक मुझे लगता है या याद है कि 4 GB तक इसमें हम डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा ना? नहीं है क्लियर? टेबल आप लोग बना लेंगे एक्सेस से? नहीं बना पाएंगे? बना लोगे भाई? नहीं बना पाओगे? बन जाएगा? नहीं बनेगा? पीछे सबसे लास्ट में बन जाएगा ना? इतने से नहीं बनेगा। चलिए जी, सब लोग मौन धारण कर लिए, इसका मतलब कि सब कुछ ओके है। सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? इसको सेव कर सकते हैं जी हम PDF के फॉर्मेट में, जैसे ही डेस्कटॉप में सेलेक्ट किया, कर दिया पब्लिश और ये सेव हो गया। पर ये PDF आपके कंप्यूटर में नहीं बनेगा, मेरे में बन गया, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा जी आपके कंप्यूटर में? मेरे कंप्यूटर में एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर से एडवांस है, तो इसीलिए मैं बना लूँगा जी। अब किधर वो बन के गया मेरे को पता नहीं चल रहा है इधर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में ही तो नहीं चला गया? हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में चला गया हो। मैं इसमें आया और फिर इसमें आया, फिर इस डॉक्यूमेंट्स में आया, इधर कहीं है क्या वो वाला PDF? नहीं मिल रहा है जी, कहीं चला गया होगा। है मेरा आँख कमजोर क्यों होता जा रहा है भाई? चलिए, दिस PC लिखा हमारा, एंटर, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाता हूँ, किधर पे PDF? नहीं, ये जो होगा एक तो स्टूडेंट नाम से, ये वाला आप कह रहे हैं ना, तो ये तो एक्सेस फाइल है। मैंने जो PDF सेव करा ना, कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है जब है तो? पता नहीं कि, अरे फिर से सेव कर देते हैं, कौन सा हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खर्चा हो जाएगा। क्यों, जा तो रहा है डॉक्यूमेंट्स में ही, पब्लिश करें। नहीं हो, ये है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे जी हम, तो क्या होगा? ये देखिए, बना था कुछ टेबल, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो है ये आएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए मैं खोलता हूँ EXEL, ठीक है। डेटाबेस के रिलेटेड मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ पर कुछ बता दे रहा हूँ। RO LL _NO, ठीक है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्लास, फिर यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, हो गया। 1 लिखता हूँ, नीचे 2 लिखता हूँ, फिर मैं ये सब ना करके मैं सीधा क्या करता हूँ जी, डिलीट बटन दबाता हूँ सबको सेलेक्ट करके, और कहीं डेटा गेट एक्सटर्नल डेटा, मैंने बताया था ना एक्सेस से डेटा कैसे लेना है, याद है आप लोगों को या फिर भुला गए? बोलो भूल गए सर, इतना कहाँ याद रहता है, ज़िंदगी में टेंशन कम है क्या? क्यों? तो जी यहाँ पे जो है हमारा टेबल आ जाए, ये देखिए आ गया। चलिए, ये टेबल वाला डिलीट नहीं होगा क्या? नहीं होगा, मत हो, हमको क्या उससे लेना देना, इसको हम कर लेंगे जी कॉपी। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, कर देंगे पेस्ट एज अ वैल्यू, जाओ जी, इसका हमारा काम खत्म।
हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के माइनस दबा देंगे और ये दुनिया से गायब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा गायब। यहाँ पे लिख देंगे रोल अंडर स्कोर नंबर, ठीक है जी। और फिर मैं इसको करूँगा ऐसे सेलेक्ट, डबल क्लिक मारूंगा किसी पे, फिट हो जाएगा अपने आप। तो ये टेबल बन के रेडी हो गया है, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्सेल भी आपको आता ही है बहुत अच्छे से जी। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ मैं टेबल को। ठीक है, और इन सबको मैं किधर इधर ले लाऊँ ऐसे। चलिए जी, तो टेबल हमारा बन गया है। आप लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या कोई स्टूडेंट, कोई दो स्टूडेंट का रोल नंबर एक हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जितने स्टूडेंट पढ़ेंगे स्कूल में उन सब का रोल नंबर अलग अलग ही होगा, राइट? मतलब यूनिक होगा, राइट? यूनिक माने अद्वितीय, माने सबका एक एक रोल नंबर तो जरूर होगा। और दूसरा, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है क्या जिसका कोई रोल नंबर ही ना हो? ऐसा तो नहीं होता ना, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जिसका कुछ रोल नंबर हो ही ना, राइट? आपको समझ में आ गया? तो टेबल, टेबल को डेटाबेस के भाषा में क्या कहा जाता है? आप कह लो एंटिटी। ठीक, एंटिटी माने टेबल मान लो आप। ठीक है जी, और ये जो कॉलम है इसको डेटाबेस के भाषा में क्या कहा जाता है जी? एट्रीब्यूट्स, राइट? ठीक है, इसको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। और जो रो है, रो को डेटाबेस के भाषा में कहा जाता है टपल। ठीक, ये क्या अटपटान नाम है, टपल तो एट्रीब्यूट पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये है जी डेटाबेस के भाषा में। और इसमें कुछ की होते हैं माने चाबी। ठीक, KEY की दो तरह के होते हैं, एक की होता है प्रीमारी, ठीक है, प्राइमरी की, दूसरा होता है फोरन। फोरन का स्पेलिंग मेरे को नहीं आता है इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जाऊँगा MS वर्ड में जी। ठीक है, विन वर्ड में जाऊँगा और फिर मैं क्या करूँगा, इधर से फोरन की का स्पेलिंग निकाल लूँगा जी, फोरजिन। ठीक है, पता नहीं क्या कौन सा इसमें फोरन का स्पेलिंग सही है, फॉरन की का स्पेलिंग। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये स्पेलिंग सही है। ठीक है जी, फॉरन लिख दिया और यहाँ पे की लिख दिया। ठीक, और इसको लिख दिया जी प्राइमरी की, प्राइमरी माने पहला। ठीक है, फॉरन की माने विदेशी की, विदेशी चाबी। ठीक, फॉरन की किसको कहा जाएगा, फॉरन की कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट भी कहते हैं लोग इसको। ठीक है, की कांस्टेंट कहते हैं। तो प्राइमरी की मतलब क्या, टेबल में कोई ऐसा कॉलम, ठीक, जो कि क्या होगा, यूनिक होगा और खाली कभी नहीं हो सकता। खाली नहीं हो सकता मतलब नल नहीं हो सकता, जिसको कहेंगे हम प्राइमरी की, राइट? हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाया, ठीक है, और कोई ऐसा उसका कॉलम, टेबल का कोई ऐसा कॉलम जो खाली कभी नहीं हो सकता और रिपीट नहीं हो सकता, वैल्यू उसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो क्या कहलाएगा जी, प्राइमरी की कहलाएगा। ठीक, तो नेम एक हो सकता है दो स्टूडेंट का, क्लास के बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो पक्का हो जाएगा डुप्लीकेट, और एड्रेस के बारे में तो और भी नहीं सोचना है। ठीक है, लेकिन रोल नंबर के बारे में हम सोच सकते हैं, राइट?
कि रोल नंबर यूनिक होगा प्रत्येक स्टूडेंट का, ठीक है, और नल नहीं होगा, मतलब खाली नहीं होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम प्राइमरी की, राइट। रोल नंबर को हम बना सकते हैं प्राइमरी की, ठीक। अब प्राइमरी की बना देंगे हम इसको जी। प्राइमरी की क्या करता है, रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है जी, ठीक है। वैसे तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम हजारों टेक्निक अपना लेंगे जी, ठीक है। ये मेरा वक्तव्य को गलत सिद्ध करने के लिए मैं हजार टेक्निक अपनाऊंगा कि वक्तव्य गलत हो जाए, लेकिन जनरली सामान्यता यही होता है कि प्राइमरी की हम उसको बना देते हैं जिससे हमको रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। समझ गए आप लोग, ठीक है। इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जी, रोल नंबर वन से। इस रो को हमको पता आइडेंटिफाई करना है यूनिकली तो कैसे करेंगे, इस टू वाले रोल नंबर से। इस रो को अगर करना है यूनिकली आइडेंटिफाई तो हम थ्री रोल नंबर से करेंगे। थ्री रोल नंबर मतलब ये वन माने ये, टू माने ये, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया जी, प्राइमरी की किसे कहते हैं, समझ गए आप लोग, नहीं समझे। अब जिस टेबल में प्राइमरी की ना हो तो उसे कहा जाता है वीक एंटिटी। जिस टेबल में प्राइमरी की ना हो उसे कहा जाता है वीक एंटिटी, बड़ा कमजोर एंटिटी है, ठीक है भाई। प्राइमरी की नहीं है इसका मतलब यह है कि उस टेबल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसमें मान लीजिए कि यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा, श्याम नाम का बंदे को आप खोज रहे हैं, ठीक है, श्याम नाम का आदमी को आप खोज रहे हैं, ठीक है। अगर नेम के आधार पे खोजेंगे तब तो श्याम नाम से कई आदमी हो सकता है ना। अब पीएचडी के आधार पे खोजेंगे तो हो सकता है कि पीएचडी करने वाले कई स्टूडेंट हो, भारत देश से कई स्टूडेंट हो, लेकिन रोल नंबर के आधार पे खोजेंगे तो श्याम का ही रोल नंबर 3 हो सकता है, ठीक। चाहे कुछ भी हो जाए रोल नंबर कभी भी रिपीट डुप्लीकेट नहीं होता, राइट। तो आप लोग को समझ में आ गया जी प्राइमरी की माने क्या, नहीं आया, समझ में आ गया, चलिए जी ठीक है। ये विदेशी की को पढ़ लेते हैं थोड़ा, फॉरेन की माने क्या। तो विदेशी की को पढ़ने के लिए मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, पता नहीं मेरे ये उदाहरण सही है या गलत, लेकिन मैं ले लेता हूं। इन सभी कॉलम में मैं क्लास यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो सब्जेक्ट ले लेता, बहुत अच्छे से समझ में आता, ठीक है। पर इसमें कहीं पे मोबाइल नंबर नहीं है, राइट, मोबाइल नंबर नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक और टेबल बनाता हूँ, ठीक है, या फिर इसी में कॉलम बना देता हूँ, MOBILE मोबाइल नंबर, ठीक। इसको भी बना दूंगा ऐसे जी, और मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दूंगा, ठीक है जी। और इसी को पकड़ के खींच देता हूँ नीचे, ठीक है, रिपीट हो गया, ले लीजिए जी, बदल दिया मोबाइल नंबर, ठीक है। हो सकता है 11 अंक का हो गया होगा, 10 अंक का होगा, ठीक है, अधिक हो गया, चलिए नो प्रॉब्लम, कौन सा हमको फ़ोन करना है इस नंबर पे, ठीक है। अब इस स्टूडेंट का, ठीक है, इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ एक ही रखा है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इस स्टूडेंट को आदत है प्रत्येक हफ्ते में मोबाइल नंबर बदल देने का, ठीक है। इस स्टूडेंट को आदत हो गया है प्रत्येक हफ्ते में मोबाइल नंबर बदल देने का। क्यों होता ये था, 5 रुपए का सिम कार्ड मिलता था, 30 रुपए बैलेंस मिलता था, रिचार्ज का ही वो करा 10 रुपए का, तो मैं क्या करना था, हर हफ्ते मोबाइल नंबर बदल देता, ठीक है। मैं सच में ऐसा करता था, ठीक है, मोबाइल नंबर मैं अभी नहीं बदला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सच में मोबाइल नंबर बदल दिया करता था, 10 दिन में 15 दिन में महीनों में, ठीक है, हर समय में मोबाइल नंबर बदल दिया करता था, ठीक है, ये मेरा आदत था। खैर आप लोग इस आदत का इस्तेमाल मत करिएगा जी। अब ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये जब भी किसी को फोन करता है नए नंबर से, ठीक है, ये होगा कोई, ठीक है, अब कोई YouTube पे अगर देख रहा होगा तो बोलेगा मैं तो ऐसा करता नहीं था यार, लेकिन आरोप लगा दिया, ठीक है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इस मोहन के बारे में, ठीक है।
मान लीजिए कि ये स्टूडेंट था, ये हर हफ्ते मोबाइल नंबर बदलता है, ठीक है। इसको थोड़ा बोला गया कि भाई तू मत बदला कर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है मेरा ये 3 नंबर है रख लो, ठीक है। मैं घर में रहूंगा तो इस नंबर पे कॉल करना, मैं बाहर कहीं रहूंगा तो इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है। और मैं स्कूल में रहूंगा तो इस नंबर से कॉल करना, ठीक है। तो 3 नंबर इसने दे दिया, ठीक, 3 नंबर दे दिया ना। लेकिन ये 3 नंबर हम कहाँ रखें, हमारे पास तो जगह एक ही नंबर रखने का है। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक और कॉलम बना दिए, MOBI ली मोबाइल नंबर 1, इधर मोबाइल नंबर 2 बना दिए थे। 33 हो गया, ये तो मजा नहीं आया, ठीक है। चलिए, लेकिन ये लोग, ये दोनों लोग तो बड़ा शरीफ आदमी है, ठीक है। ये लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलते, तो इसीलिए ये खाली रह गया 2 डब्बा, ये वाला भरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आदमी जो था, ये हर हफ्ते मोबाइल नंबर बदलता है, हर 10 दिन में बदल देता है। तो इसके लिए जो है हमको 3 कॉलम और बनाना पड़ गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ 3 ही है ना। इसको पकड़ के मैं खींच दूँ 100 बार, ठीक, तो क्या होगा इससे, यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेक्निक सही नहीं है। तो ये खाली खाली हो गया ना, जबकि जरूरत नहीं था, ठीक है, जरूरत तो नहीं था ना, खाली जरूरत था इस स्टूडेंट को ज्यादा मोबाइल नंबर रखने का, लेकिन बाकी इन सारे स्टूडेंट को तो जरूरत नहीं था ना। तो ये कॉलम तो बेकार हो गया जी, पूरा बेकार हो गया ना। खाली एक स्टूडेंट है पहला रो नंबर वाला, जिसको जरूरत था जी 2 नंबर और स्टोर करने का 1 ठो के बाद, बाकी को तो जरूरत है नहीं, बाकी लोग शरीफ आदमी है ये लोग, ठीक है। तो ये जो है डेटा हमारा तो जो है बेकार 2 कॉलम बना हुआ है, और ठीक है। तो क्या करने का, बहुत अच्छा तरीका होगा, कंट्रोल दबाइए और मार दीजिए माइनस का साइन, है गायब हो जाए, और एक और टेबल बना लीजिए, ठीक है। और टेबल का नाम क्या दे दीजिए, ROL नंबर, ठीक, यहाँ पे दे दीजिए MOBILE मोबाइल, ठीक। और इसको क्या करिए, इसको यहां से जब ऐसा माउस पैटर्न बने तो पकड़ के खींच के ले लाइए जी यहां पे, रिप्लेस, यस रिप्लेस कर दो भाई, ठीक है। और ये वाला जो है इसको पकड़ के खींच के मत लाइए, बल्कि इसको कॉपी करके जो है यहां पे पेस्ट कर दीजिए, हो गया। चलिए जी, बन गया। अब ये जो रोल नंबर 1 है, ये चाहे तो 100 मोबाइल नंबर रख लेना, यहाँ पे फिर 1 मैंने लिखा, फिर मोबाइल नंबर डाला, फिर यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर डाला, फिर 1 लिखा, फिर रोल मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे डाल दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे हुआ ऐसा कि जो जितना चाहे मोबाइल नंबर रख के, हमको अब कोई वो नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। और डेटा जो इधर जो फालतू का रो बन रहा था, वो रो भी बनना खत्म हो गया, हो गया ना। चलिए जी, तो ये क्या है जी, दूसरा टेबल हमने तैयार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी की, ठीक। ये हमारा कौन सा टेबल है, ये स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल है, जो बेस टेबल है, ठीक। ये जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है, ये हमारा मेन टेबल है स्टूडेंट का, राइट। लेकिन ये कौन सा टेबल है, ये तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर स्टोर करने का टेबल है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे करूँ, ठीक है, और इसको मैं मर्ज कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, लेकिन ये किसका है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर रखने के लिए, MOBILE मोबाइल नंबर रखने के लिए, ठीक। तो स्टूडेंट का मेन टेबल ये है, और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर जहाँ पे स्टोर होगा, ये टेबल ये है, ठीक। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी की कह देंगे जी, ठीक। अब यही कॉलम यहाँ पे भी तो हमने बनाया है, ठीक। तो क्या करेंगे जी, रोल नंबर 1, ये जो इंसान है, इसका मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, मोबाइल नंबर वाले टेबल पे हम आएंगे और चेक करेंगे कि इसमें रोल नंबर कौन सा है जी,
इसमें जिसका रोल नंबर 1 है उसका मुझे मोबाइल नंबर दे दो, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 रोल नंबर ये वाला जो है हमारे पास मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। हम क्वेरी चलाएंगे डेटाबेस में और फिर जो है ये लाइन से इसका 3 मोबाइल नंबर और है, ठीक, तो ये जो है आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो क्या हुआ, मोबाइल नंबर आईडी के आधार पे हमने रोल नंबर के आधार पे हमने मोबाइल नंबर निकाल लिया ना, ठीक। 8 तक रोल नंबर है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या, डिलीट मारता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 9 लिखता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख के मारता हूँ एंटर, ठीक। और इसको भी मैं टेबल के रूप में फॉर्मेटेड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए जी, ठीक है, कि ये तो स्टूडेंट का रोल नंबर है ना, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, राइट। यहाँ पे लिखा है 9, ये यहाँ पे 9 लिखना क्या सही है? आप लोगों को कैसे पता चला कि ये गलत लिखा हूं मैं? हाँ सही बात है, जब स्टूडेंट जो है, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका रोल नंबर 9 है, तो उस स्टूडेंट 9 का यहाँ पे मोबाइल नंबर कैसे स्टोर हो गया? ये तो बहुत नाइंसाफी है ना भाई। हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका रोल नंबर 9 है, पर 9 रोल नंबर का यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ये पॉसिबल है क्या? कभी ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता जी, ठीक। तो इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि बेस टेबल, आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो बेस टेबल, इसको मान लो चाइल्ड टेबल, ठीक। तो बेस टेबल में ऐसा कोई रोल नंबर जो कि नहीं है और मोबाइल नंबर में है तो ये इनवैलिड होगा, ठीक। ये तो आप समझ गए कि ये गलत होगा। तो फिर यहाँ पे कौन कौन सा रोल नंबर आना चाहिए? मोबाइल नंबर में सिर्फ वही रोल नंबर आना चाहिए जो कि स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर में है, ठीक। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर में जो जो रोल नंबर है सिर्फ वही रोल नंबर यहाँ पे आ सकता है, 9 रोल नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता, ये इनवैलिड है जी, ठीक। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कुछ कानून बन गया ना। क्या कानून बना? कि मोबाइल नंबर टेबल के रोल नंबर में सिर्फ वही डेटा आ सकता है जो डेटा स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर के कॉलम में है, राइट। समझ में आ गया इतना? मतलब ये क्या कर रहा है कि रोल नंबर कॉलम जो है ये रेफरेंस कर रहा है, इसको देख रहा है, ठीक। मोबाइल नंबर का रोल नंबर कॉलम में जब भी आप कोई डेटा लिख रहे हो तो ये मोबाइल नंबर का रोल नंबर कॉलम देख रहा है स्टूडेंट नाम के रोल नंबर कॉलम को कि क्या मुझ में जो डेटा इंसर्ट किया जा रहा है वो डेटा स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर में है। अगर है तो क्या करो, मोबाइल नंबर के रोल नंबर में इंसर्ट कर दो, ठीक। लेकिन अगर स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर में अगर कोई डेटा नहीं है तो उस डेटा को मोबाइल नंबर के रोल नंबर में इंसर्ट हम नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस कानून को क्या कहते हैं? इसी कानून को कहते हैं फॉरेन की, राइट। प्राइमरी की मतलब क्या, टेबल के कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम प्राइमरी की बना लेंगे जी। और प्राइमरी की बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहला रूल ये है कि टेबल में कॉलम यूनिक होना चाहिए, वो डेटा यूनिक होना चाहिए उस कॉलम का, और फिर उस कॉलम में जो वैल्यू है वो नल नहीं होना चाहिए, राइट। और फॉरेन की का क्या कानून है? फॉरेन की का कानून ये कहता है कि फॉरेन की आपने जिस टेबल में बनाया, ठीक है, तो वो फॉरेन की का जो कॉलम है वो कॉलम देखेगा किसको, जिसका प्राइमरी की का हमने फॉरेन की बनाया है, ठीक। हमने स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की का फॉरेन की से बनाया है, ठीक है। तो ये फॉरेन की जो इसमें लगाई है, फॉरेन की इसको देखेगा और पता लगाएगा कि मेरे में जो भी डेटा है वो डेटा इसमें है
या नहीं, स्टूडेंट नाम के रोल नंबर कॉलम में वो डेटा है कि नहीं है। अगर है तब तो मोबाइल नंबर के रोल नंबर में वो डेटा इंसर्ट होगा, मतलब ऐड होगा, मतलब लिख सकते हैं हम। और नहीं है स्टूडेंट नाम के रोल नंबर कॉलम में तो मोबाइल नंबर टेबल के रोल नंबर कॉलम में भी वो डेटा हम नहीं लिख सकते। ठीक, तो आपको कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। प्राइमरी की फॉरन की समझ में आया नहीं आया? आया आया समझ में? नहीं आया बताओगे? क्या चीज आ गया समझ में? आप बताइए, यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते? चलिए जी, अब सही है कि नहीं है? अब सही है ना? लेकिन ये वाला कॉलम सही है कि नहीं है? अब ये कॉलम गलत हो गया। ठीक, तो यही कहलाएगा जी फॉरन की। आप लोग को मैं बता दिया फॉरन की भी, प्राइमरी की भी। फॉरन की में क्या है? फॉरन की जो है रिपीट हो सकता है, राइट? फॉरन की जो है वो रिपीट हो सकता है और फॉरन की खाली भी हो सकता है। ठीक, फॉरन की खाली भी हो सकता है। अब इस उदाहरण के अकॉर्डिंग में अगर फॉरन की को मैं खाली रखूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि जब खाली ही रखना है तो एक तो ब्लैंक रो क्यों बनाया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं आपको इस चीज को मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी अगर ऐसा क्या होता है परिस्थिति आता है तो। प्राइमरी की फॉरन की आपको समझ में आ गया, टेबल बनाना आपको समझ में आ गया। तो टेबल आपने बनाना सीख लिया, प्राइमरी की फॉरन की आपको समझ में आ ही गया। तो इतना समझने के बाद आप जो है टेबल बना लेंगे एक्सेस में। ठीक है, बाकी रहा बात क्वेरी का, तो क्वेरी मैं आपको बता दूंगा कब। मैं क्वेरी आपको बता दूंगा MySQL के साथ या Oracle के साथ, दूसरे डेटाबेस के साथ बता दूंगा। ठीक है, या फिर विजुअल बेसिक में जब मैं प्रोग्रामिंग करने लगूंगा उसमें भी बता दूंगा आपको क्वेरी। ठीक है, तो बाकी हम विजुअल बेसिक में पढ़ लेंगे प्रोग्रामिंग करने के दौरान। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को इस चीज के रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना है? पूछना है? नहीं पूछेगा कोई? बंद कर दूं? ठीक है जी, हम बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे लैपटॉप का बैटरी बैकअप कम हो रहा है धीरे धीरे जी। चलिए, क्या कर सकते हैं अब, इंसान का ही शरीर नश्वर है तो ये तो इंसान का बनाया हुआ कंपोनेंट है। ठीक है, तो बंद कर दो। चलिए जी, बाकी जो है हम पढ़ लेंगे कभी, इसको भी बताने में 38 मिनट हो गए। ठीक है, चलिए जी।